नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूरोप चैट पप्पू स्पोर्ट्स क्लब में स्वागत है। का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में बीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले, जो आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, बीटीएससी आयोग की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आई है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं यह वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। क्या सच में सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट को आज एसएलपी नंबर मिल जाएगा और सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाके क्या पटना हाईकोर्ट के फुल बेंच में जा रही है, क्या है सच्चाई, इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बिना स्किप के वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारे प्रश्न का आंसर इस वीडियो में डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आज आपको भी पता है जो सुप्रीम कोर्ट ओपन हो रही है और जो भी सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट है, जो हम बोल रहा है, जो हम एसएलपी दायर कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, हम पहले ही आपको बता दिए और अभी भी हम आपको बता रहे हैं, अगर एसएलपी दायर होता, अगर एसएलपी फाइल होती तो एक दिन में एसएलपी नंबर मिलता है। जैसे ही एक दिन में एसएलपी नंबर मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के साइट पर भी चेक कर सकते हैं। दूसरी बात है, जो भी हमारे जजमेंट के खिलाफ जाए, क्योंकि हम केवीएट फाइल कर चुके हैं, पहले बता दिए हैं, जैसे ही हमारे जजमेंट के खिलाफ जाएगा तो सबसे पहले हम लोग को पता चलेगा, इसीलिए लोग हवा हवा में बात कर रहा है। वो भी आज क्लियर हो जाए, जो कह रहा था ना जो मंडे को एसएलपी नंबर हमें मिल जाएगा, तो वो भी आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। इसीलिए बार बार हम आपको कह रहे हैं, जब भी हम आते हैं, ठीक है, जब भी मेरा वीडियो आता है उसी समय आपको वीडियो देखना है, अदरवाइज आपको सोशल मीडिया पर आना ही है, क्योंकि टोपी वाले आपको टोपी ही पहनाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात हम आपको बताते हैं, क्या अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाके पटना हाईकोर्ट के फुल बेंच में ही जा रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? तो दोस्तों हम पहले भी बता दिए और अभी भी बता रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए इसे पहले भी हम आपको बोले थे और सरकार पेपर के माध्यम से भी जानकारी दिए थे, क्योंकि सरकार नहीं पहुंच के सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट पहले पहुंच गए, इसलिए सरकार नया चाल इसमें चल गई, समझे कि सरकार एक नया चाल चल गई और सरकार अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाके पटना हाईकोर्ट के फुल बेंच में जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात है, सभी लोग को ये भी लग रहा है, क्या सर अभी सरकार कुछ नहीं करेगी और जैसे ही इलेक्शन समाप्त होती है तो काउंसलिंग लिस्ट जारी कर देगा, काउंसलिंग लेटर जारी कर देगा, क्योंकि फिलहाल अभी सरकार कुछ नहीं करने जा रही है। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं, सरकार गंभीर रूप से इस पर सोच रही है, ठीक है, क्योंकि जब से पीके साहिब सर बोल दिए हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी कुछ नहीं हो पाएगी, तो सरकार पूरा गंभीर हो गई है, ठीक है। सरकार को सिर्फ समय चाहिए, 20 दिन का समय चाहिए, ठीक है, 5 जून तक सरकार को समय चाहिए। तो 5 जून के लिए सरकार चाह रही है सुप्रीम कोर्ट नहीं जाके पटना हाईकोर्ट के फुल बेंच में ही चल जाते हैं, ताकि 1 से 2 बहस में क्लियर हो जाए, इसलिए सरकार गंभीर रूप से सोच रही है, समझे कि नहीं। और आप लोग परेशान हो जाते हैं, हम बार बार कह रहे हैं, जब भी हम जो आपको कुछ भी बताते हैं पूरा ऑथेंटिक और सही न्यूज़ बताते हैं, वैसे हम आपको जो है आके कोई भी न्यूज़ नहीं बताते, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आप लोग इतना परेशान हो जाते हैं क्या कहें, क्योंकि अदरवाइज मेरे अलावा अदरवाइज किसी और को जो है आप वीडियो को देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं, तो आपको हम क्या बोलें, आग में लोग घी डालने का काम कर रहे हैं, इसलिए उस सबसे बचना है आपको, समझे कि नहीं। हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं, हम बार बार कह रहे हैं, हमें सरकार से आपत्ति है, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए या पटना हाईकोर्ट के फुल बेंच में जाए, मगर जल्दी जाए, क्योंकि वेलकम है सरकार के, दोनों जगह हम लोग वेट कर रहे हैं, समझे कि नहीं, क्योंकि हमें जल्द से जल्द ये वैकेंसी को क्लियर करवाना है। दूसरी बात, हम नाइट में भी आपको बोल दिए थे, जो अभी हम ट्विटर पे ट्वीट कर दे रहे हैं, जो हम लोग नोटिस, ठीक है, आपको लिखवाए थे, जो हम एक लेटर लिखवाए थे, लेटर में क्या लिखा हुआ, अभी हम ट्वीट कर दे और सभी को हम टेक कर देंगे और आप लोग को रीट्वीट कर देना, समझे कि नहीं। अभी जस्ट हम आपको वीडियो चलाने के बाद लगभग 15-20 मिनट में आपको ट्वीट कर देंगे और आप लोग को रीट्वीट करना, अभी यही एक मौका है सरकार पे दबाव बनाने का, समझे कि नहीं। इसीलिए सभी स्टूडेंट को कह रहे हैं, अभी लगभग आधा घंटा 1 घंटा के बाद जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा, जो भी ट्विटर पे फॉलो करके रखे हैं सभी के पास जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जो नहीं फॉलो किए हैं आप लोग फॉलो कर लीजिए,
क्योंकि अभी जब तक आपके पास नियुक्ति पत्र नहीं आती है तब तक ये आईडी आपको ट्विटर पर आपका जो अकाउंट बना है ये अकाउंट आपको काम आएगा। इसीलिए सभी लोग फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सरकार पे दावा बनाने का यही अभी हम लोग के पास जो है अवसर है, और इस अवसर को लाभ उठा कर हम लोग जल्द से जल्द सरकार पे दबाव बनाए ताकि एक सप्ताह के अंदर सरकार एक लेटर जारी कर दे, एक लेटर इशू कर दे और हम लोग को ये जानकारी दे दे कि हम इस डेट से काउंसलिंग स्टार्ट करवा रहे हैं, समझे। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपको परेशान नहीं होना, हर एक चीज़ हम आपको बता दिए, आज क्लियर हो जाएगा और शाम तक आज क्लियर हो जाएगा। सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है या सरकार पटना हाई कोर्ट के फुल बेंच पे जा रही है, ठीक है। और जो सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट आपको बोल रहे हैं, जो हम एसएलपी दायर कर दिए और एसएलपी नंबर मिल जाएगा तो वो भी आपको शाम तक दिख जाएगा। इसीलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, परेशान नहीं होना। और आज समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में वोटिंग है तो ससमय जाइए और आप लोग वोट गिरा करिए, अपना मत का उपयोग कीजिए और 12 बजे से पहले आप लोग आ जाइए, क्योंकि 12 बजे फिर अभी हम लोग लाइव सेशन में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले ये सभी टॉपिक पर, जो कब तक हम लोग को काउंसलिंग लिस्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले लेटर बीटीसी का जारी करेगा, आगे क्या करना है सरकार का, आगे क्या मानसा है, सरकार आगे क्या कर सकती है, इस सभी को लेके हम लोग जो है डिटेल्स में 12 बजे में डिस्कस करने वाले। इसलिए सभी स्टूडेंट 12 बजे लाइव आना नहीं भूलें। तो चलिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जैसे ही 12 बजे लाइव आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।